कचरा ही केक बनाएगी। विक्रम थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, यू डिजर्व इट। मम्मी जी, रिया माय लव, थैंक यू सो मच। थैंक यू आलिया। मुझे सबसे लास्ट में, यू आर द मोस्ट स्पेशल ना। हैप्पी बर्थडे। गाइस कम इन। नहीं, ये दोनों बुआ भतीजी क्या कर रही है? रिया चल रही है कि रणबीर ने से देखा नहीं, और पूजी सोच रही है कि चलती हुई रिया पे पानी कैसे डाले। ये रिया की समझ में कब आएगा कि रणबीर उससे नहीं प्राची से प्यार करता है? जब प्राची माँ बन जाएगी ना, और रणबीर सिर्फ उसके बच्चे को अपनाएगा, तब इसकी समझ में आएगी। ये इसकी जान छोड़ेगा तब ना। कौन, किसकी बात कर रहे हो आप? अरे वो है ना, लव ट्रायंगल में अपना कौन सा एंगल फंसा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पूरा शक है कि ये स्टैनली है ना, रणबीर से प्यार करता है। दीदा रणबीर है इतना प्यारा, उसे तो सभी प्यार करते हैं। अरे मैं तू भी ना, उस वाले प्यार की नहीं बात कर रही हूँ मैं, वो वाले प्यार की बात कर रही हूँ, वो वाले। क्या दीदा, अब क्या सोच रही है? मैं पुराने ख्यालत की हूँ समझी, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। आप तभी सोचिएगा ना, क्योंकि रणबीर तो प्राची से प्यार करता है, उसका दिल प्राची पे अटका हुआ है। क्या कहाँ अटका रही है उसका दिल? जो मैं देख रही हूँ ना, वही बोल रही हूँ। देख तो, तू भी देख, देख जरा ध्यान से देख। क्या दीदा, कुछ भी, आप भी ना। अरे सुन तो, आजकल की जनरेशन भी ना, पता नहीं हम बड़ों के तजुर्बे से कब सीखेगी कुछ। तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? हाँ सर, क्या करना? सॉन्ग प्ले करना है। हाँ सॉन्ग तो प्ले करना है जब घर वाले आएंगे, लेकिन उसके बाद का याद है? उसके बाद क्या सर? हाँ सर याद आ गया, थैंक गॉड याद आ गया। मैं भी आया। अनी रणबीर इस प्राची में देखता क्या है? आई स्वेयर मुझे पता चल जाए ना तो मैं भी वही करूंगी। प्राची दिस इज नॉट डन। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? एक्सक्यूज मी, क्या किया मैंने? ये जूस खराब है। खराब नहीं है ये, इम्पॉसिबल। सच्ची में खराब है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ट्राई करो देखो कितनी खराब है ये, ट्राई करो। ठीक तो है। ठीक है? तुम क्या बात कर रही हो, ठीक नहीं है, खराब है। खराब तुम्हारा दिमाग है, ये बिल्कुल ठीक है। और तुम हर बात पहले ना अपनी ईगो पे ले लेती हो, ये सच्ची में खराब है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे किससे पूछता हूँ, पिलाता हूँ किसी को और पूछता हूँ कि ये खराब है कि नहीं। okay. एक सेकंड, कैसे पिलाओगे? मेरी झूठी है ये ड्रिंक। ओ हाँ शिट, तुम्हारी झूठी है और तुम्हारी लिपस्टिक का निशान भी लग गया इसके ऊपर। ये तुम आजकल बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगा रही हो। मैं किसको पिलाऊं, किसको पिलाऊं? मैं ही पी लेता हूँ। तुम सही कह रही थी, ये तो बहुत स्वीट है। ऐसे एक बात तो है, तुम क्यूट बहुत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बहुत सोचा बुझी, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे प्राची इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सो आई हैव एन आइडिया। मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लगे कि प्राची मेरे बच्चे को मारना चाहती है। Too bad, right? So, the idea is, ये दीवार देख रही हैं आप? ये दीवार फेक है और हम इस दीवार को गिरा सकते हैं इसके स्क्रूज लूज करके, बिकॉज इट्स फेक। इसकी दूसरी तरफ मैं रहूंगी और आप इसके स्क्रूज लूज करेंगी, तो ऐसा लगेगा जैसे प्राची मेरे बच्चे को मारना चाहती थी और उसी ने इस दीवार को गिराई है। और फिर
मेरे साथ पूरी फैमिली प्राची को ब्लेम करेगी कि प्राची मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। प्लीज रिया, ये मेरे होने वाले बच्चे को ना बोलना बंद करो। कभी कभी मुझे सच में लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड बूजी, प्लीज, इन योर ड्रीम्स यू नो हाउ मच आई लव माय फिगर। प्रेगनेंसी के लिए मैं अपनी फिगर कभी नहीं खराब करूंगी, नेवर। अरे प्रेगनेंसी का ख्याल भी मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती, बच्चा क्या खाक रखूंगी अपने पेट में। सब झूठ बोला था मैंने, अच्छा मौका देख के मैं अपने पेट के बल गिर जाऊंगी और फिर सारा ब्लेम रणबीर पर डाल दूंगी कि रणबीर की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। जिस इंसान ने मुझे मां बनने का सुख दिया, उसी इंसान ने मां बनने की सारी खुशियां मुझसे छीन ली। पैदा होने से पहले ही मेरे बच्चे को मार डाला। बेचारा गिल्ट में ही मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और वो प्राची, शी इज गोइंग टू लूज इट ऑल। और ये मुसीबतों की जो दीवार है ना, प्राची पर गिरने वाली है। तो बूजी, जब हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, आपको ये स्क्रूज लूज करनी है, मैं दूसरी तरफ रहूंगी और ये दीवार दूसरी तरफ गिरी। ओह माय डैड यार, अभी ना जितने भी लोग हैं सब डैड को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, लेकिन अभी हमें उनको जाके झूठ बोलना होगा। कौन सा झूठ सर? अरे हमने प्लान किया था ना, मैं घर पे जाके पापा को बोलूंगा कि मेरा एक गूफ अप हो गया, ताकि उनको लगे कि बिजनेस में लॉस हो गया है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अब नहीं हो रहा, और गुस्से में आके मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सर मैंने उस प्लान के बारे में बहुत सोचा, उस प्लान से ना आपको सिर्फ कंपनी से बाहर निकालेंगे, घर से नहीं निकालने वाले। मेरे पापा को कौन जानता है, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ। वो तो आप ही जानते हैं। नो ना, देखो पापा मुझे पहले कंपनी से निकालेंगे, फिर पापा मुझे घर से निकालेंगे। पापा को 2 महीने बाद पता चलेगा कि जो गूफ अप मैं कर रहा हूँ ना, उस गूफ अप से हमारा लॉस नहीं हुआ, उस गूफ अप से हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो 2 महीने तक मैं प्राची के साथ रहूंगा और 2 महीने अपना स्टार्टअप भी चलाऊंगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, पहले 2 महीने मैं खुश, उसके बाद लाइफ टाइम पापा खुश। कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त सर, ग्रेट। नहीं, प्राची कहती है जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक हमें जश्न ही मनाना चाहिए, अपनी खुद की नजर लग जाती है। ओके तो एक काम करो, अब तुम पापा के पास जाओ, उनको बोलो रणबीर कमरे में बुला रहे हैं। जाऊं यहां से, मैं और बूजी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया, एक्चुअली कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी, शायद तुमसे मिलना नहीं होगा, तुम जब सोकर उठोगी तो मैं भी नहीं दिखूंगी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। ये देना था तुम्हें, गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। देखोगी नहीं? नहीं, मेरा मतलब है देख लूंगी जब तुम मुझे नहीं दिखोगी। वो इसलिए भी नहीं देख रही है ना क्योंकि तुम हमेशा कहती हो कि तुम जा रही हो, लेकिन जाते जाते ना गेम खेल लेती हो। आई एम श्योर ये तुम्हारी कोई ट्रिक होगी। पूजी मैं प्लीज मुझे एक्सक्यूज मत दो, मैंने खुद तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था, पर तुम गई यहाँ से? नहीं ना, बैठी रही यहाँ मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये तुम क्या कर रही हो? आई नो वेरी वेल तुम मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम जब यहाँ से जाओ तो तुम्हें रोक ले। रिया मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। Just stop it. मुझे ना तुमसे बात भी नहीं करनी थी, मैंने तो बूजी को कहा था कि वो तुम्हें यहाँ से भग। मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तुम नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकती हूँ, पर ये नाराजगी आज है कल नहीं होगी, क्योंकि कल तुम्हारी नाराजगी की वजह ही यहाँ नहीं होगी, दूर चली जाएगी इस घर से, तुमसे, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो कि तुम्हारी मासी नाराज है ना, उसे बस मूड स्विंग्स हो रहे है ना, वो ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। ये तुम्हारी माँ का प्यार है तुम्हारी मासी के बच्चे के लिए। तुम्हारी माँ तो यहाँ नहीं रहेगी, पर उसका प्यार, उसका गिफ्ट तुम्हारी मासी के साथ, उसके होने वाले बच्चे के साथ रहेंगे हमेशा, है ना?
तुमने ये तरीका ढूंढा है लड़की को छेड़ने का। पहले तुम बात करने के बहाने से नजदीक आना चाहते थे, अब तुम टकरा कर नजदीक आना चाहते हो। सहाना तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं भले तुम्हें क्यों छेड़ने लगा, बट फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब फ्रेंड्स दोस्त रहेंगे तो तुम्हें शक भी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं तो बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं, मैं इंडियन ही नहीं हूँ और मैंने तो फिल्में देखी ही नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अरे वाह, कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी कि हम लोगों के बीच में कोई फिल्मी बातें नहीं होगी, अब तुम खुद ही एक नॉर्मल बातों को फिल्मी बातों में कन्वर्ट कर रही हो। फर्क, तुम ना रोमांटिक ड्रामा बना रहे थे और मैं रिवेंज ड्रामा बना रही हूँ। सहाना आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू। फिर तुम टच करोगे और फिर नजदीक आओगे और फिर तुम सॉरी बोलोगे और मैंने तुम जैसे लड़कों को बहुत सीधा किया। मैं अच्छे से तुम्हारी इंटेंशन समझती हूँ। तुम मेरा इंटेंशन समझ ही नहीं पा रही हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अच्छा, अब तुमको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है? मतलब मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया तो अंगूर खट्टे हो गए। अब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नहीं है। अच्छा तो किस में इंटरेस्ट है बताओ मुझे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें डाउट कर रही हूँ ना, तो तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। अच्छा बताता हूँ। बताओ बताओ बताओ। अरे रब्बा, तो सरेआम कह रहा है कि इसको रणबीर ही चाहिए। कौन? दैट लेडी इन पिंक ड्रेस, देखी? वो तो मैरिड है। हाँ तो क्या हुआ, मैरिड है तभी तो, मुझे उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तुमने देखा ना पार्टी में सब कैसे मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने अपने सारे सपने पूरे कर दिए। रितु, सारा क्रेडिट मैं ही ले लूं क्या? थोड़ा फुटेज हमारे बेटे को भी मिलना चाहिए, मैं भी पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा है कैसा। भूजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यू आर राइट, मैंने भी विक्रम को कभी ऐसे नहीं देखा है। अपसेट है लेकिन स्माइल कर रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा बर्थडे खराब नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, काइंड अटेंशन प्लीज। वो कहते हैं ना कि खुशी बांटने से दुगनी होती है, बढ़ती है, तो आप सब हमारी खुशी में शामिल होने आए, मेरी वाइफ पल्लवी का बर्थडे मनाने आए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने पल्लवी को इतनी अच्छी विशेस दी, ब्लेसिंग्स दी, मुझे भी दी, कुछ लोगों ने तो मेरे बेटे की भी तारीफ की। मिस्टर कपूर, आप ही कह रहे थे ना कि मेरा बेटा ना सिर्फ एक अच्छा बिजनेसमैन है बल्कि एक अच्छा डांसर भी है। तो मैंने यह तय किया है कि अब से मेरा बेटा रणबीर कोहली हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, मैंने सोचा कि वो इतना अच्छा डांस करता है तो उसे डांस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हाँ, ये बिजनेस में क्या रखा है, वो तो करने के लिए उसका बाप बैठा है ना यहां पे। अरे रियान, रणबीर को लेके आओ ना, उसे भी पता चलना चाहिए ना कि उसके डैड उसके बारे में क्या कह रहे हैं। डैड, लेकिन क्या सोच क्या रही हो, जाओ, जस्ट गो एंड गेट हिम, सब वेट कर रहे हैं। मुझे रोको मत। अरे एक बाप अपने बेटे से बात करना चाहता है और इस भरी महफिल में मैं सिर्फ इसकी तारीफ करने वाला हूँ। डोंट वरी, माय बॉय रणबीर, द एप्पल ऑफ माय आई। आप लोग शायद नहीं जानते हैं लेकिन मेरा बेटा मुझे अपने आप से भी अच्छे से जानता है। तो रणबीर, तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं एक प्राउड फादर हूं? क्या हो गया है विक्रम को, क्या बोले जा रहा है? रणबीर सर ने अपनी एक गलती से अपने डैड का न्यू प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। लगता है मेरा बेटा मेरे पास आके ही मुझे यह जवाब देगा। माय सन, आई नो आप मुझसे अपसेट हैं लेकिन अपसेट तुमसे? पल्लवी इज जोकिंग यार। अपसेट नहीं हो तो आप ऐसे बिहेव? सवाल मैंने किया है ना, तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, तो जवाब दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक ऐसा बाप होना चाहिए जिसे अपने बेटे पे गर्व हो? औरों का तो पता नहीं लेकिन
यू नो व्हाट रणबीर, लेकिन मुझे तुम पे बहुत फख्र था, गुरूर था तू मेरा, आई वॉज सो प्राउड ऑफ यू, लेकिन अफसोस आज तुमने वो फीलिंग मुझसे छीन ली। बट डोंट वरी, ये मत सोचना कि इस वजह से मैं नाराज हूं या मैं सैड होने वाला हूं, नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, आज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ तुम्हारी मॉम पल्लवी का बर्थडे है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलतियों की वजह से इसके बर्थडे सेलिब्रेशंस में कोई कमी आए, क्योंकि भले ही हम तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो अगर एक बच्चे को लगता है कि उसकी किसी गलती की वजह से हमारी लाइफ में कोई फर्क आएगा या फिर हमारी खुशियां कम हो जाएगी, तो वो गलत सोच रहा है। हाँ, माना कि एक माँ बाप का अपने बच्चे से रिश्ता जुड़ा होता है, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जुड़े होते हैं एज अ कपल, इसीलिए कोई भी तीसरा उनकी खुशियों में खलल पैदा नहीं कर सकता, उनका अपना बच्चा भी नहीं। अगर तुमने मुझे अपना सच बताया तो मैं तुम्हें अपना सच बता दूंगी। ठीक है, तो बताओ तुमने डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट स्पॉइल क्यों किया, नुकसान क्यों करवाया? बहुत जरूरी था, जानबूझकर। ये सवाल है या कंफर्मेशन है? ये ना सवाल है ना कंफर्मेशन, ये एक फैक्ट है। मैं तुम्हें जानती हूँ रणबीर, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनके हाथों बिजनेस में ऐसे ही लॉस हो जाए। अगर फिर भी तुम्हारे हाथों लॉस होता है तो वो ऐसे ही नहीं है, अनलेस वो जानबूझ के किया गया है। और मेरा सवाल ये है, क्यों? मुझे ये जानना है। अगर बता दूंगा तो यकीन कर लोगी मुझ पे? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं, और ना मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, क्योंकि तुम मेरा नाम, मेरा काम, मेरा वजूद सब तुम हो। तुम्हें देखता हूं ना तो ऐसा लगता है जिंदगी को देख लिया, तुम मेरे आसपास नहीं होती ना तो जीता नहीं हूं, सिर्फ सांसें भरता हूं। अपना अपना नजरिया है रणबीर, ये तुम्हारा नजरिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी नजर में हम रेलगाड़ी की वो दो पटरियां हैं जो एक साथ चलती जरूर है पर आपस में कभी मिल नहीं पाती। तो उसके लिए तुम क्या कर, कोशिश क्या है तुम्हारी? मैं एक ऐसे इंसान का दिल दुखा रहा हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ, मेरे पापा। सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं उस इंसान का दिल दुखा रहा हूँ, तुम्हें पता है? यही तो नहीं करना था, किसी एक को खुश रखने के लिए अपनों का दिल नहीं दुखाना था। तुम ऑलरेडी मेरा दिल बहुत दुखा चुके हो, तोड़ चुके हो, हर्ट कर चुके हो मुझे। अब प्लीज मेरे लिए अपनी फैमिली को हर्ट करना बंद करो। तुम मेरा सच जानना चाहती थी ना, मैंने तुम्हें सच बता दिया, प्लीज मुझे जज मत करो। ताकि हम दोनों साथ रह सके, तुम और मैं एक हो सके, ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। रणबीर, साथ रहने में और खुश रहने में बहुत फर्क होता है। खुश रहने के लिए तुम अपनों का दिल नहीं दुखा सकते। खुश रहने के लिए पता है क्या जरूरी होता है? अपनों की दुआएं पाना, और अपनी दुआएं तब नहीं देते जब उनका दिल टूटता है, दिल दुखता है। उन्हें खुश रखना जरूरी होता है। जो कर रहे हो ना प्लीज मत करो, बंद करो। श्रिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका घर उजाड़ के मैं अपना घर नहीं बसा सकती। एक फैमिली को पूरा होने से पहले, शुरू होने से पहले मैं खत्म नहीं कर सकती, नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं समझ रहे तुम? यस द केक एवरीबॉडी, कोई ना कोई तो मरे। चुप रहिए प्लीज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कुछ वॉल है, उस पे एक पेंटिंग थी, उसके स्क्रूज लूज हो गए थे, गिर गए थे, तो वो पेंटिंग गिरी हुई थी, मैं वापस लगा रही थी। रियली? पेंटिंग लगा रही थी इसीलिए सारी की सारी दीवार रिया पर गिर गई। स्टॉप इट प्राची, तुम बहाना बना रही हो, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अरे सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम ही थी जिसने वॉल के स्क्रूज को लूज किए थे। तुम मेरे होने वाले बच्चे को, मेरे बच्चे को मारने की तैयारी कर रही थी, और तुम ऐसा क्यों करोगी? जैसे कि बूजी ने अभी बताया, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। Yes, you're jealous of me. मेरी खुशियों से, मेरे होने वाले बच्चे से, मेरी हर एक चीज से तुम जलती हो। तुमने सोचा होगा कि अरे मैं तो रिया से बड़ी हूँ, शादी भी सबसे पहले मेरी हुई है रणवीर से, तो माँ बनने का सबसे पहला हक मेरा है। तुम्हें तो ये खुशी मिली नहीं, तुम मेरी खुशियों को मिटाने चली थी,
उस वजह को ही मिटा देना चाहती थी जिसने मुझे इस फैमिली से जोड़ के रखा है, हमारे रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मेरे और रणबीर के प्यार की निशानी को मिटा देना चाहती थी ताकि तुम्हें रणबीर का प्यार मिले। आई नो यू वेरी वेल प्राची, तुम मुझसे जलती हो। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा प्राची, पर इस सब में तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे जीतने के लिए, रणबीर का प्यार पाने के लिए, इस फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए तुमने बच्चे को मारने का सोचा। वो बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। हाउ कुड यू, तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी ना मुझे घिन आती है। सच में हम तो ऐसा कुछ सोच के ही नहीं आए थे, इतनी बड़ी साजिश, वो भी एक बच्चे को मारने के लिए जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तुमसे पहली बार मिले थे हमें लगा था तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, पर हमने तुम्हारी मदद भी की थी, लेकिन आज लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमने शायद किसी गलत इंसान की मदद की, हमारी संस्था औरतों की मदद के लिए है, लेकिन तुम तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। पता है ना आपको, पेंटिंग गिर गई थी, स्क्रूज गिर गए थे, लूज हो गए थे, वो वापस लगा रही थी। वो स्क्रू ढीला कैसे हुआ? क्यों जब तुम वहां से हटी वो बॉल तभी गिरी। पता था ना उस बॉल की दूसरी ओर रिया खड़ी है, लेकिन मैं पता था या नहीं? हाँ पता था, पर मैं अच्छा हुआ तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया। कुछ देर के लिए प्राची मुझे लगने लगा था कि तुम शायद अच्छी हो, पर वो कहते हैं ना, सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो दूध खून में कभी नहीं बदलेगा, उसकी रगों में हमेशा जहर ही रहेगा। वही हो तुम। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं रिया के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकती। रिया तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। अरे पल्लवी एक बार सुन तो लो कि प्राची कहना क्या चाहती है। मम्मी जी रहने दीजिए आप। प्राची मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी हर बात पे यकीन किया है, लेकिन ये वीडियो देखकर कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने कुछ नहीं किया है रिया, तुम कैसे मान सकते हो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इतना खुश थी कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? बात मत करो उससे, उसके पास भी मत जाना, तुम्हारा काला साया उस पर मत पड़ने दो। निकलो यहाँ से, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। और अगर किसी ने भी इसका साथ देने की कोशिश की तो वो भी जा सकता है यहाँ से। आउट। सच बताओ तो मुझे गुस्से से भी ज्यादा रोना आ रहा है। कोई और होता ना तो बात समझ में भी आती, लेकिन जब आपका अपना ही आपका दुश्मन बन जाए आप किसके कंधे पर रोओगे? और क्या, प्राची को भी तो समझना चाहिए ना कि वो रिया के बच्चे को नहीं रणबीर के बच्चे को भी हार्म कर। इनफ, नहीं सुनना मुझे इसके आगे कुछ। बस तुम्हें तो कभी सुनना ही नहीं होता है रणबीर। हाँ आखिर कब तक भागोगे सच से? प्राची के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, कम से कम उसके खिलाफ सच तो सुन लो। अगर ये सच सुन लिया होता ना पहले तो आज ये नहीं हुआ होता। बुजी इज राइट, प्राची पे तुम्हारे ब्लाइंड फेथ की वजह से ही आज उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। उसको पहले से ही पता था, चाहे वो कुछ भी करे तुम उस पे भरोसा हमेशा करो। तुम्हारा ये ब्लाइंड फेथ हमारे होने वाले बच्चे का दुश्मन बन रहा है। तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, एक अच्छे फादर ही बन जा। और ये तभी मुमकिन होगा जब प्राची हमारे बीच नहीं रहेगी। आंटी प्लीज ऐसा मत करिए, प्राची की हालत वो टूटी हुई है, वो कहाँ जाएगी? साफ रखो, किसी वक्त कोई भी नहीं है, प्लीज मत करिए ऐसा। क्या तरफदारी कर रही हो? हाँ अपना सामान पैक करो और तुम भी निकलो यहाँ से।
एंड प्लीज मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी. आई डोंट वॉन्ट टू फाइट. जो हुआ है सबने देखा है, सबको पता है. अब प्राची के पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे घर छोड़कर जाना ही होगा. विक्रम अंकल प्लीज आप तो कुछ बोलिए, प्लीज रोक लीजिए प्राची को. आई एम सॉरी शाहना, इस वक्त मैं तो क्या, खुद रणबीर भी कुछ नहीं करेगा. सीसीटीवी में जो देखा है उसके बाद. सीधा सीधा आप कुछ बोलिए ना प्राची को, रोकी वो कहाँ जाएगी. रुक जा शाहना, मत लड़ मेरे लिए. इस तरह इस घर को छोड़कर जाना होगा ये कभी नहीं सोचा. मत कह किसी से कुछ. कुछ कुछ हुआ तो नहीं ना उसको? ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ रणवीर, शी इज परफेक्टली फाइन. ये सब बहाने हैं ना जाने के. और क्या, जानबूझकर ही गिरी होगी ताकि घर से जान आ सके. वो सच में बेहोश हुई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है. व्हाट? हाँ, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे नहीं पता. She's 2 months pregnant. ये क्या बोले जा रही है आप? ये बिल्कुल झूठ है. प्राची प्रेग्नेंट नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ. तुम प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि और कोई दूसरा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता. प्राची को प्रेग्नेंट होके 2 महीने हो चुके हैं. वो महीने पहले तुम इसे यहाँ लेके आए थे. इसका मतलब जब हम इसे यहाँ लेके आए थे ये तब से प्रेग्नेंट है. मम्मी को मिठाई तो मैं ही खिलाऊंगा अपने हाथ से. मॉम मैं पापा बनने वाला हूँ. अरे मॉम खाओ ना यार. ये क्या किया आपने? तू क्या कर रहा है? किस बात की खुशी मना रहा है? पल्लवी पल्लवी तुमने सुना नहीं ये क्या कह रहा है? ये बच्चे का बाप बनने वाला है. सुना मैंने, और इसीलिए नहीं खाई तुम्हारी मिठाई मैंने. ये कैसा बिहेवियर है? तुम अपने ही बेटे के बाप बनने की खुशी की मिठाई भी नहीं खाओगी? मैंने रणवीर के बाप बनने के लिए नहीं, प्राची के माँ बनने के लिए मिठाई नहीं खाई. प्राची के माँ बनने पर कोई खुशी नहीं है मुझे. ये क्या कर रहा है तू रणबीर? Ranbir, what is wrong with you? Pani de do ise please. Thanks. मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मेरी खुशियां बांटने के लिए तो कोई है नहीं, तो सारी खुशियां मैं खुद से अपने आप से बांट रहा हूँ. तब आपको मिठाई खिलाऊंगा, आप खुश होंगी, लेकिन आप तो खुश ही नहीं. पर मैं बहुत खुश हूं. किसी को खुशी मिले ना मिले, आई एम वेरी हैप्पी. मैं इतना खुश हूं कि सर से पैर तक अपने आप को मीठे से भर दिया मैंने. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम द हैप्पीएस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अ फादर एंड आई एम हैप्पी. होश में आ रणबीर, प्राची तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनने वाली है.
मां बनने के लिए पति और पत्नी हो गया जो जो कभी होना ही नहीं था। प्राची इज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं क्या करूंगी? व्हाट विल यू डू? लॉस्ट रिया, रिया मुझे प्राची प्रेग्नेंट है, मुझे मैं बर्बाद हो गई, मुझे आई हैव नथिंग। जिसकी जिसकी फेक न्यूज लेके मैं रणबीर के क्लोज आना चाहती थी, उसी ने उसकी रियल न्यूज दे दी। वो सच मुझकी प्रेग्नेंट है। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। रिया जस्ट स्टॉप इट, कुछ मत बोलना। ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। बिकॉज यू नो व्हाट, अब जो होगा सिर्फ प्राची का बच्चा होगा। वो इस दुनिया में आएगा और मेरा वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। रणबीर जो चाहता था ना, उसे वो मिल चुका है। बाप बनना चाहता था, प्राची से मिल चुका है उसे वो, और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। आई नो, जो हुआ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। क्या क्या कहा आपने? अनएक्सपेक्टेड माई फुट। शौक मुझे लगा है और दिमाग आपका खराब हो गया। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है? किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? रियली रियली किस तरह से मैं बात कर रही हूँ आपसे? ओके, आई एम रियली सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी माई डियर बूजी। मैं प्यार से बात करती हूँ आपसे, आई ट्राई। सो प्लीज टेल मी माई डियर बूजी, आपके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई कि प्राची माँ बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं सोचा कि रणबीर प्राची को प्यार करता है तो वो माँ बन सकती है? रणबीर और प्राची 2 साल साथ में रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो माँ बन सकती है। क्यों नहीं चला आपका दिमाग? इधर उधर के आइडियाज दे रही थी आप मुझे और वहाँ प्राची ने बाजी मार ली। एक झटके में मेरे रणबीर को छीन लिया मुझसे। अक्षी, याद आया मुझे, माँ तो आप ही बनी थी ना? God, yes! आप भी तो माँ बनी थी, तो क्यों नहीं आया दिमाग में कि प्राची भी माँ बन सकती है? क्या बोल रही थी आप? रिलैक्स 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 रिया, स्टे काम, ब्रीद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि रणबीर को अपना कैसे बनाऊं। मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, पूरब के साथ मैंने सब कुछ ट्राई किया है, अप्स एंड डाउन्स, लाइफ, एवरीथिंग, आई नो इट ऑल। मैंने सब कुछ देखा है, कुछ नहीं देखा है आपने? पल्लवी, जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तुम एक माँ, एक सास, इस घर की है। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी रिया का ख्याल रखोगी, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा उससे प्यार करोगी। तुम्हारे सामने मेरी रिया के साथ ये हो रहा है तो तुम्हारे पीठ पीछे क्या होगा? क्या होगा पीठ पीछे? हाँ, हम लोग सब उसको खा रहे हैं क्या यहाँ पे? हमारा घर घर नहीं, जेल है क्या? उसका बुरा हाल होगा कुछ? मम्मी जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे लेकिन विक्रम, ये बात कैसे कर रही है? अरे आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आलिया को जो बोलना है वो बोलेगी। मैं सिर्फ बोल रही हूँ विक्रम, प्राची तो करके भी चली गई। पल्लवी, आई एम टेलिंग यू, रणवीर का दिमाग ना प्राची ने खराब किया है। सुना नहीं तुम लोगों ने वो क्या कह रहा था? उसने नया घर लिया, वो आप सबको छोड़ने के लिए तैयार था, प्राची के लिए। रिया की प्रेगनेंसी न्यूज ने उसे रोक लिया, वरना उसी रात वो प्राची के साथ चला जाता। बच्चे की गुड न्यूज के साथ तुम्हें बेटे के जाने की खबर भी मिल जाती। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप प्लीज प्राची को ब्लेम करना छोड़ेंगे हर बात के लिए? ये जो पूरा प्लान है वो सब मैंने बनाया था, मैंने सोचा था इसके बारे में, एंड प्राची हैज नथिंग टू डू विद इट। उसको पता तक नहीं था, उसको सरप्राइज देने वाला था ना, तो प्लीज डोंट। देखा तुमने कैसे बात करके गया? आई एम श्योर प्राची ने इसे सिखाया होगा ये सब। आलिया प्लीज, अब बस करो। हाँ प्लीज यार। क्या बस करूं विक्रम, रिया इज प्रेग्नेंट और ये बात प्राची भी जानती है, फिर भी उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं जागा। इनफैक्ट और नफरत करने लग गई उसे, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है उसने। और रणबीर उसके प्यार में इतना पागल है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा कि व्हाट प्राची इज ट्राइंग टू डू। 2 महीने से प्राची प्रेग्नेंट है,
पर फिर भी उसने ये खबर किसी को नहीं बताई। क्यों? ऐसा कौन करता है? I'm sure इसके पीछे जरूर कोई प्लान होगा। बस कर दो आलिया, बस कर दो। क्या बस करूं दीदा, आप कभी प्राची से क्यों नहीं कहती बस करने के लिए? मैं ना पल्लवी नहीं हूँ कि तू मुझे सहेली बना के बात करेगी। इस घर की बड़ी हूँ, कम बोलती हूँ, लेकिन जब भी बोलती हूँ ना मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करो। पल्लवी कुछ भी कहो तो, तुम अपनी फैमिली को हैंडल करने में ना बिल्कुल नाकाम रही। अरे फैमिली क्या, अपने बेटे को हैंडल करने में नाकाम रही हो। एक बात नहीं सुनता है तुम्हारी, अपनी मनमानी करता है। अरे दादी आप तो बड़ा तनतनाते हुए गई थी, वापस आ गई। मैंने शाना को प्राची के कमरे से निकल के भागते हुए देखा, मुझे डर लग रहा है कि प्राची के साथ कुछ हो ना गया। बस कीजिए मम्मी जी प्लीज, बस। प्राची प्राची प्राची, सारा टाइम प्राची के नाम की माला जपती रहती है आप। अरे इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता ना आपने, तो अब तक तो आपकी झोली खुशियों से भर देते वो। सुन तो लीजिए, क्या कह रही आलिया, सुन तो लीजिए। तुम भी अभी रिएक्ट कर रही हो, पहले कर लिया होता ना तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। एक मिनट, क्या करना चाहिए था पल्लवी को हा? और अगर यही बात है तो तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर सकती थी? अरे तुम वो शादी रोक सकती थी, फ्रॉम द वर्ड गो ये शादी गलत थी। मैं भी तो वही कह रही कि वो जो शादी हुई वो गलत थी, कब से मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तुम भी कहाँ मेरी बात समझ रही हो, मैं रिया की बात कर रहा हूँ। रिया और रणवीर की शादी गलत थी। अगर हमारी शादी इतनी गलत थी तो आपने बीच में रोका क्यों नहीं, आप सपोर्ट क्यों कर रहे थे? तू जानता है उस वक्त मैंने वो शादी को सपोर्ट क्यों किया? क्यों किया था? क्योंकि पापा डरे हुए थे, और सिर्फ पापा ही नहीं हम सब डरे हुए थे। रिया ने ये साफ साफ बोला था कि अगर मैंने उससे शादी नहीं करी तो वो सुसाइड कर ले। अपनी जान की धमकी दी थी उसने मुझे। अब अगर कोई इंसान एक कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ता करता है तो क्या आपको लगता है वो उससे खुश हो पाएगा? इन द फर्स्ट प्लेस ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, बट हाँ ये शादी हुई और इस शादी से हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ सफरिंग। प्राची ने सफर किया है, हम सब ने सफर किया है, ऑल ऑफ अस। खैर किसी को पता है प्राची कहां पे? कहां पे मतलब अपने रूम में होगी ना, और कहां होगी? चलो क्या हुआ, फोन नहीं लगा? रणवीर शाना प्राची कहाँ है? मुझे नहीं पता। तू जानती है, तू मुझसे छुपा रही है, मुझे बताना नहीं चाहती क्या? नहीं बता रही है तो रहने दीजिए ना, जाने दीजिए जहाँ जाना है प्राची को। कौन सा मरे जा रहे हैं जानने के लिए कि वो कहाँ गई है? आपके सीने में दिल भी है या नहीं? आपको तो पता ही नहीं होगा कि दिल क्या होता है। दिल ना ये लेफ्ट में होता है पर हमेशा राइट लोगों के लिए धड़कता है, अपनों के लिए, और कभी कभी ना अपने दुश्मनों के लिए भी धड़कता है। पर आपके केस में ना शायद ये है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो दिल ही नहीं। तुम ना अपनी जबान संभाल कर बात करो मुझसे, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। अगर आपको मेरी बकवास इतनी बुरी लग रही है ना तो ट्रस्ट मी, आपको दिन रात से बकवास सुनने की ही जरूरत है। शट अप शाना, अपनी हद में रहो। आलिया से ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। आपने कभी इनको बोला है कि ये प्राची के लिए ऐसा ना बोला करे? नहीं, कभी भी नहीं बोला आपने, क्योंकि आप भी प्राची के लिए ऐसा ही सोचती हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे प्राची के बारे में क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती शाना, सो डोंट यू डेयर जज मी। आप वही थी ना जो लोगों को बता रही थी कि रिया प्रेग्नेंट है और वही इस घर की बहू है। अब तो सबको पता चल गया ना कि प्राची रिया से पहले से प्रेग्नेंट है, तो क्या आप उसे अपनी बहू कहेंगी? नहीं ना, कभी नहीं कहेंगी आप उसे अपनी बहू। और मुझे आपसे उसको बहू बुलवाना भी नहीं है, मेरा नाम हो गया, मैं इस घर में थोड़ी देर और रही तो। एक्सक्यूज मी।
छुटावे सब रुठावे भगवान जी क्या चाहते हैं आप इस घर में रहने नहीं दिया इस घर से जाने तो दीजिए नहीं ले जा रही अपने साथ इस घर से कोई यादें नहीं ले जा रही अपना सामान तो ले जाने दो ठीक से क्यों परेशान कर रहे हो मुझे क्यों परेशान रोंदी रोंदी अखियों से सुपड़े भी बह बह जावे के नजर ना आवे की हुंदा प्यार बस सीखे यार निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे वो घर पर है वो अपना सामान पैक कर रही है तुम जल्दी से चले जाओ प्लीज तुम अगर यहाँ से चली गई ना तो रणबीर वो हम सबसे दूर चली जाएगी और फिर बहुत देर हो जाएगी कर पाओगे कर लूंगा मुझे बस एक मौका दे दो I swear मैं सब ठीक कर दूंगा इस बार क्योंकि इस बार सिर्फ एक वजह नहीं है मेरे पास दो वजह है तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो तुम बात को समझो रणबीर जस्ट हियर मी आउट मुझ में अभी कुछ बचा नहीं है ना कोई उम्मीद है ना मुझे भरोसा करना है कुछ नहीं है मुझ में अब पेशेंस ही नहीं है आई एम डन विद इट रणबीर मैं मेरे में शायद फीलिंग्स भी नहीं है कहने को मेरे अंदर एक जान है एक जिंदगी है पर मैं बिखर चुकी हूँ मैं टूट चुकी हूँ मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ रणबीर आई एम जस्ट डन और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो ना रणबीर तो हो सकता है मैं अपने आप को संभालू थोड़ा सा बचा लू पर अगर तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक लोगे ना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी रणबीर नहीं रह पाऊंगी थोड़ी बहुत जिंदगी जो बची है ना वो भी जी नहीं पाऊंगी इसलिए कह रही हूँ प्लीज मैं अपनी जिंदगी की भी तुमसे मांग रही हूँ प्लीज लेट मी गो मुझे जाने दो दुनिया में हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता हर इंसान जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहता ना सोच लो हमारा साथ यही था कुछ लोग मिलते ही है बिछड़ने के लिए सोचो हम भी उन लोगों में से ही है अपनी फैमिली के साथ रहो उन्हें तुम्हारी जरूरत है हमारा साथ यही बनता जस्ट फुल जब इस नजर से मत देखो मुझे मैं जितनी स्ट्रांग लग रही हूं ना शायद अंदर से उतनी हूं नहीं कमजोर पड़ जाऊंगी अगर और रोई ना तो अपने आंसू में बह जाऊंगी मेरे लिए ये और मुश्किल मत करो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज जाने दो लेट मी गो रणबीर प्यार करना कहीं से सीख के नहीं आया था इसीलिए शायद एक परफेक्ट आशिक नहीं बन पाया तुम सही कह रही हो मैंने बहुत गलतियां करी और बहुत गलतियों से मैं सीखा लेकिन तुम्हारी इस गलती से मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्या अलविदा बोलोगी तुम मेरी तस्वीरों को अलविदा नहीं बोल पाई हो अगर तुम मेरी नहीं सुन सकती
अपने दिल की सुन लो। तुम्हारा दिल तुम्हें यही कहेगा कि तुम प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। और अगर जाना इतना ही जरूरी है ना प्राची, तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। कहता था कि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है, लेकिन मैं अभी नहीं कह पाऊंगा कि तुमने मुझे बिछड़ना सिखाया है, क्योंकि तुम मुझसे बिछड़ नहीं पाई हो अभी खुद। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू। राखी, खुद मान बन रहे हो, ये जता रहे हो कि तुम्हें इस बच्चे की बड़ी फिक्र है, मुझे नहीं है। मुझे बहुत ही कन्वीनियंटली आसानी से अपने जिंदगी से बाहर फेंक दिया तुमने, और अब दिखा रहे हो कि बच्चे की फिक्र है। मैं बुरी हूँ, तुम अच्छे हो। अगर इतनी फिक्र थी ना अपने बच्चे की, तो क्यों की रिया से शादी? तब नहीं समझ में आया तुम्हें? तब नहीं सोचा मेरे लिए और होने वाले बच्चे के लिए? मुझे एक बात बताओ रणबीर, तुम्हें कैसे पता नहीं था कि मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ? हर रोज भाऊजी बनने के सपने देखते थे ना, तुम्हें नहीं पता था कि वो सपना कभी भी पूरा हो सकता है? बोलो ना, हर रोज मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे पूछते थे, मेरी तबीयत का हाल पूछते थे, तुम्हें पता होना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, मैं सारी गलतियों की सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। आई एम सॉरी, बस मुझे ये बता दो कि मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ या ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे तुम यहाँ रुक जाओ और बाहर ना जाओ। प्लीज प्लीज बोल दो मुझे, प्लीज 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 प्लीज, तुमसे भीख मांगता हूँ। प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत जाओ घर छोड़ के, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, भीख मांग रही हूँ मैं, जाने दो। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही रणबीर, इसलिए बोलना पड़ रहा। सुनो, मैं पता है इस घर में वापस क्यों आई थी? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैं आई तो तुम रिया से शादी कर रहे थे। कसम से रणबीर, उसी समय मैंने कसम खाई तुम्हें बर्बाद करके रखूंगी। ठान लिया था मैंने उसी समय कि तुम्हारी हर खुशी तुमसे छीन लूंगी, नहीं बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं बताऊंगी तुम माँ बनने वाले हो। अपने बच्चे को अपने ही अंदर छुपा के रखा ताकि तुम उसके मुंह से जिंदगी भर अपने लिए बाऊजी शब्द सुनने के लिए तरसते रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्राची कभी ऐसा नहीं सोच सकती है, ना ऐसा कर सकती है। मैं प्राची वो नहीं हूँ। मर गई वो प्राची जो तुमसे प्यार करती। ये तुम क्या कह रही हो पल्लवी? ये बात तो नहीं हुई थी हमारी नीचे। और रिया तुम्हारी बहू है, तुम्हें कहना चाहिए कि मेरी बहू इस घर में रहेगी और प्राची को इस घर से जाना चाहिए। और वो जा रही है तो उसे जाने दो ना, तुम क्यों उसे रोक रही हो? शट अप आलिया, जस्ट शट अप। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं सोचती थी कि आखिर हो क्या रहा है मेरे घर में। कुछ दिन पहले मैं मेहमानों को कह रही थी कि मेरी बहू रिया प्रेग्नेंट है, और अब कुछ दिन बाद कहूंगी कि प्राची प्रेग्नेंट है। पहले मैं सोचती थी कि रणबीर की वाइफ रिया है, और अब मैं सोचती हूँ कि मेरी बहू प्राची है। Enough of this nonsense. What stupidity? Mom, what does that mean, Mom? मतलब अभी आपने क्या सोचा है? मैं आपकी बहू नहीं हूँ। Not now, Riya.
अंदर चलो। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि प्लीज जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है इसे रिक्वेस्ट करने की, मेरा ऑर्डर मानना ही होगा इसे। गेट आउट। लेकिन रिया, अपना गुस्सा उतारना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये उससे भी बड़ी बात है बूजी। दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में मॉम ने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? हाँ बताइए ना, मतलब जहाँ उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था धक्के मार के, उसे घर के अंदर लेके आ गई। हाँ यही हुआ था? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना, मुझे बताइए, क्या सच में मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? बताइए। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? Mom? How can mom do this with me? जब कुछ उल्टा होना ही था तो प्राची खुद बोल लेती कि मुझे इस घर से नहीं जाना, ये घर मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा सब कुछ है। नहीं तो इधर रणवीर रोक लेता, बोल देता कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में रहे। लेकिन मॉम, वो तो हमेशा से चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहू माना है। गॉड डैम इट, नॉट दैट प्राची। लेकिन आज उसे अपनी बहू बोलकर उसका वेलकम बैक करके उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है बूजी। एंड शी वेरी वेल न्यू दैट आई एम प्रेग्नेंट। हाँ बेसलेस ही सही, फेक सही, झूठी सही, लेकिन वो तो मैं प्रेग्नेंट ना, उनके लिए तो मैं माँ बनने वाली हूँ, राइट? आप ही बताइए, एक होने वाली माँ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? अरे आज मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इमेजिन आगे मेरे साथ क्या करेंगे? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत 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 गलत हो रहा है। रिया, अगली पिछली कोई बातें नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि सब बातें भूल जाओ। जो बात तुम्हें डिस्टर्ब करती है, तुम्हें रुलाती है, तुम्हें हर्ट करती है, वो सारी बातें भूल जाओ प्राची। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है तो तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या समझेंगी? लेकिन प्राची, चोट पहुंचाने वाला ही जानता है कि चोट कितनी गहरी है, तकलीफ कितनी ज्यादा है, वो वही जानता है। और चोट का इलाज भी उसे ही पता होता है। ये सच है कि जो बीत गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ नया करके एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना। थोड़ा मैं तुम्हें समझती हूँ प्राची, थोड़ा तुम मुझे समझ लो। माँ बनने वाली हो, एक माँ की मजबूरी समझ सकती हो ना? मैं आपको समझ रही हूँ। मैंने हमेशा एक बेटी बन के ही आपके बारे में सोचा है, आपको समझने की कोशिश की है। और आप मेरे लिए बुरी थी तो उसका भी कोई कारण रहा होगा, मुझे पता है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, उसके हालात उसका समय बुरा होता है। और आपका भी बुरी नहीं थी, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है क्योंकि आप है ही ऐसी। मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई है और कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी अच्छी मत बनो प्राची कि मुझे अपनी सारी बुराइयां सादा दिखने लगी। I know, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना बेटा ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आप सामने वाले को गिल्ट फ्री महसूस करा सके। बेटा, तुम सच बोल रही हो?
अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठ थोड़ी बोलूंगी, सच्ची बोल रही हूँ, बात थोड़ी बनाऊंगी मैं। क्या बातें हो रही है बॉयज एंड गर्ल्स? अरे तू सुनेगा ना तो तू भी विश्वास नहीं करेगा। आप लोगों ने कर लिया? अरे नहीं, मुश्किल है, लेकिन क्या है ना, चाना ने अपनी आंखों से देखा है तो फिर विश्वास करना ही पड़ा, और हम तो खुश भी बहुत है। फिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो इस खुशी में शामिल करो। आप यकीन नहीं करोगे डैड, ऐसी बात है, शाना प्राची के पास जा रही थी पानी लेके, एकदम से मम्मी आई और शाना को रोका और उससे पानी ले लिया। उन्होंने कहा कि ताकी तुमने बहुत ख्याल रखे है प्राची का, अब मैं रखूंगी, पानी मुझे दो मैं लेकर जाऊँ। पल्लवी ने वाकई ये कहा? अरे मुझसे कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। आई मीन मैं जानता था कि ये दिन कभी ना कभी जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, आई रियली कांट बिलीव इट। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन सच है। और हाँ शाना, अभी से ना तू एक काम करना, जब भी प्राची के लिए कुछ खाने पीने को लेके जाए ना, तो कोशिश करना कि पल्लवी के पास से होकर गुजरू। पल्लवी तुझे देखेगी और तेरे हाथ से वो सब ले लेगी और वो खुद प्राची के पास जाएगी। नहीं, वेरी गुड आइडिया दीदा। मुझे लगता है कि जितना मम्मी प्राची के साथ रहेगी ना, उतना ही उनके लिए अच्छा है और हम लोगों के लिए भी। अब मुझे लगता है इस घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब ठीक होगा, देखना। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। बिना फिंगर्स क्रॉस्ड। अरे क्या फिंगर क्रॉस हुई है। थोड़ा और करो। गुड। अंकल आपने यहाँ कहा नहीं और वहाँ सब ठीक भी लग गया। अरे देख क्या रहे हो, बुलाओ मॉम को और कहो उनसे कि मुझे रोके। तुमने अपनी जान लेने की सोची भी कैसे? What has gotten into you? तुम्हारा ऐसा कभी मत करना। मैं क्या करती बहू, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई केयर नहीं करता बहू। एक आप ही तो है जो मुझे इतना प्यार करती थी, मेरी परवाह करती थी, मुझे अपनी बहू मानती थी, मुझे रिस्पेक्ट देती थी। मुझे अकेला छोड़ दिया मॉम और प्राची को अपनी बहू मान लिया, तो मैं क्या करती? I had no option। बेटा तो आपका एक ही है, बहू भी आपकी एक ही होगी। वो अगर प्राची है, मैं कौन? Who am I to you? मैंने कहा कि मैं प्राची से प्यार करती हूँ, कहा मैंने ऐसा? मैं प्राची को सिर्फ अपनी अटेंशन दे रही हूँ, उसे अपना प्यार नहीं। मेरे प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है रिया। मेरी बहू सिर्फ तुम हो, ऐसा कभी कुछ बोलना भी मत। मेरी बहू सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बहू सिर्फ तुम हो, इस घर की बहू सिर्फ तुम रहोगी। अगर ऐसा है तो आपने आपने प्राची को जाने से क्यों रोका? प्राची को जाने से नहीं रोका मैंने, इस घर के फ्यूचर को जाने से रोका। यहाँ से तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें कैसे लगता अगर तुम्हारे घर का बच्चा किसी और की फैमिली में बड़ा होता? कैसे लगता तुम्हें? इतने बड़े खानदान का बच्चा किसी मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होगा, जहां उसे ना अच्छी परवरिश मिलेगी ना अच्छा एजुकेशन, छोटा नाम, छोटा घर, छोटा स्कूल, नो वे। मेरे रणबीर का बच्चा ऐसे नहीं पलेगा। रणबीर का प्राची के साथ रहना उसकी मजबूरी थी, लेकिन रणबीर के बच्चे का प्राची के साथ रहना, मैं ऐसी कोई मजबूरी पैदा ही नहीं होने दूंगी। वो प्राची मेरे रणबीर के बच्चे को अपने साथ ले जाती थी, तुम जानती हो क्या होता अगर वो उसे उसके साथ ले जाती ना? वो उसे अपने जैसा बनाती, अपने जैसा मिडिल क्लास। ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ मैं? इस खानदान का बच्चा इसी खानदान में रहेगा, हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे जैसा बनेगा। And don't you worry, जो चीज घर में तब तक रहेगी जब तक
जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसके बाद आई विल क्लेम द कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड। मैं उस बच्चे को अपने पास रखूंगी, प्राची का साया भी नहीं पड़ने दूंगी उस पर मैं। जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा मैं प्राची को धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दूंगी। मैं अपना खून गंदा नहीं होने दूंगी। प्राची के सामने झुकना मेरे लिए मरने से कम नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं नहीं करती तो कौन करता बताओ मुझे? कौन रोकता ले जाती वो हमारे बच्चे को यहां से? मुझे आगे से भी उसके साथ अच्छे से ही रहना पड़ेगा। याद रखना रिया, पल्लवी भी उसके आगे झुकी है तो सिर्फ उस बच्चे के लिए, और प्राची यहां तब तक रहेगी जब तक वो बच्चा पैदा